भाई साहब जिस दिन पार्सल आने के लिए रहता है उस दिन कुछ दिन ही अलग होता है भाई साहब, लगता है कब पार्सल आ जाए, कब खोलूं, कब देखूं नया नया कंपोनेंट। तो भाई साहब आज इस वीडियो में फिर से अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आ गए हैं, वो भी कंपोनेंट के एकदम सस्ते सस्ते दाम में। तो क्या करना है आपको, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, सभी कंपोनेंट के अगर बारे में जानना है। तो बहुत यूनिक यूनिक हमने इस बार कंपोनेंट मंगाया है, कम मंगाया है लेकिन थोड़ा यूनिक वाला है। तो यार वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को बिना टाइम को शुरू करते हैं। ओ भाई साहब देख सकते हैं ये है हमारा छोटा सा है लेकिन इसमें काफी महंगा महंगा कंपोनेंट है और सस्ते दामों वाला भी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कटर ब्लेड है जो कि यहाँ पर 15 रुपये दाम है लेकिन हमें ये 5 रुपये में मिला है फ्रेंड। तो एक नहीं हमें यहाँ पर 5 हमने मंगाया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इससे यार खचा खच करता है तो ये खत्म होगा तो एक निकालेंगे। ब्लेड से अच्छा हमको यही लगता है ना, ब्लेड भी उतना दाम का पड़ ही जाएगा तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इसी को मंगा लेते हैं। तो काफ़ी शार्पनेस होता है तो इसको हम कट करके आप ये देख सकते हो और यहाँ पर काटने के लिए यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा से ईजिली कट जाता है ये देखिए। तो काफ़ी शार्पनेस होता है तो चलिए इसे साइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 देख सकते हैं ये बहुत सारी टेप है जो कि 5-5 रुपये के ये भी पड़ा है तो बहुत सस्ता पड़ता है, हम सोचे कि चलो ले लेते हैं। तो ये भी देख सकते हैं इसका मीटर लेंथ नहीं दिया हुआ है लेकिन काफ़ी लंबा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें दिया है सब साइज दिया हुआ है। तो चलिए इसे भी साइड में रखते हैं। उसके बाद लाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हो ये 2 प्रोपलर हमने लिया है जो कि गर्मी के दिन अभी समझ ही रहे हो कि बरसात में भी गर्मी इतना पड़ रहा तो कूलर तो बनाना बनता है। तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपलर काफ़ी अच्छा हवा देता है तो इसका भी टेस्टिंग करेंगे। और पीछे की ओर देख सकते हैं इस प्रकार से आप इसमें आप मोटर लगा सकते हो। तो यहाँ पर 1 और 2 हमने लिए हैं जो कि 2 कलर में है तो ये भी हमको लगता है लगभग 10 रुपये पर पीस पड़ गया है, इसका रेट देखना पड़ेगा। इसे भी साइड में रखते हैं, आप देख सकते हो इसका क्वालिटी विंग्स क्वालिटी देख सकते हो किस प्रकार से एक कट मारा हुआ है तो इसमें हवा अच्छे से ये आगे की ओर बिकेगा है ना, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हो, आप सोच रहे हो कि ये क्या है दीपू भाई, तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। आप कोई भी एक छोटा लेते हैं बैटरी लोगे तो उसमें ये लगा हुआ रहेगा, अगर नहीं नया लीजिएगा तो उसमें नहीं रहेगा, इसको लगाना पड़ेगा। ये है BMA जो कि एक सिंगल बैटरी के लिए है, आप इसे लगाकर बैटरी को सेफली रख सकते हो, चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बैटरी का इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हमने इसे मंगाया है सिंगल बैटरी के लिए। अगर सिंगल बैटरी जहाँ यूज होता है इसे हम लगा देंगे ज़्यादा चार्ज होगा तो ये बचाएगा उसे है ना। प्रोटेक्शन बोर्ड है जो BMS होता है 3S 4S करके आता है ना, ये सिंगल वाला है। आते हैं ये देखो ये भाई साहब बड़ा यूनिक चीज़ है, ये देखिए इसको बोलते हैं, ये देखिए ये है वाइब्रेटर, ये देख सकते हैं वाइब्रेटर है जो कि यहाँ पर वाइब्रेट मोटर है एकदम छोटा में है ना, यहाँ पर देख सकते हो कितना छोटा है, सॉरी यहाँ पर देख सकते हो कितना छोटा है। ये हमको शायद लगता है 9 रुपया पड़ा पीस, 9 रुपये पीस यानी 10 रुपये के एक है मोटर, हमने एक पीस इसे मंगा लिया है। जो भी वाइब्रेटर चीज़ बनाने के लिए होगा इसमें यूज होगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसके साफ के आगे यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देख सकते हो भाई साहब अपने कितना छोटा, यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम हथेली पर आ जा रहा है, यानी छोट समझ सकते हो ड्रोन मोटर से भी ये छोटा मोटर है वाइब्रेट मोटर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर मंगाया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे छोटा मिनी स्पीकर है जो कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए साइकिल हॉर्न में लगाने के लिए इसके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा तो हमने मंगा लिए, अच्छे क्वालिटी वाला रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा रहता है, बेस वगैरह थोड़ा रहता है, उतना तो नहीं रहता इसमें लेकिन अच्छा क्वालिटी का रहता है। तो ये हमने मंगा लिया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो इसका डिटेल्स वगैरह, ये 0.5 वाट का रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी रहता है। इसे भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छे अच्छे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मंगाया है, ये देख सकते हो इस मोटर के बारे में तो आप भली भांति जानते ही होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉन्ग शाफ्ट गियर मोटर, इसमें कुछ गियर अलग प्रकार के लगाया हुआ है तो चलिए इसे भी चला कर हम देखते हैं। ओ भाई साहब इसका RPM काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, ओ भाई RPM इसका देख सकते हो, और टॉर्क भी एकदम मस्त है यार गजब। मुझे तो एक पीस और मंगा लेना चाहिए था, मुझे तो लगा कि ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा है इसका RPM। वो भाई साहब मुझे तो दिल गदगद कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं गियर वगैरह इसका देख सकते हो काफ़ी बड़ा बड़ा है ना, वो सब मोटर के कंपेरिजन में तो काफ़ी अच्छा है। तो ये भी हमको 100 रुपये का पर पीस पड़ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग शाफ्ट गियर मोटर है। फ्रेंड्स ये भारी चीज़ देख सकते हो भाई साहब, ये है सीख क्लैम्प, जो चीज़ क्लैम्प करने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है, काटने में भी दिक्कत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सीख क्लैम्प, काफ़ी छोटा है ना, तो ये हमको 150 रुपये में पड़ा फ्रेंड्स। ये सीख क्लैम्प है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आप कोई भी चीज़ को होल्ड कर सकते हो, अगर सीट भी बनाते हो
तो पहले ही सिर से गर्म कर दीजिए, उसके बाद इसके हेल्प से प्रेस कर दीजिए। हमें इस वर्क पीस को काटना है तो इसे धर कर काटने में यहाँ बार बार हमें इस प्रकार से छटक जाएगा ना, तो ये तो बड़ा है कुछ तो क्लैंप हो जाएगा, लेकिन अगर छोटा रहता इतना छोटा तो कैसे होता, तो इसके लिए ये यूज में आ सकता है जो कि सी क्लैंप से हम इसे होल्ड कर देंगे और उसके बाद खचाखच काट देंगे। देख सकते हैं इसका क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा है ना, न्यू है। ये है इमेरी पेपर जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि एकदम बैड क्वालिटी का, जो कि देख सकते हैं कुछ दिखाया था कुछ और दे दिया कुछ और, तो हम लगता है मुझे ठग लिया है ना। ये देख सकते हैं काफी बैड क्वालिटी का, इससे लगता है घिसेगा या नहीं है ना, तो ये देख सकते हैं ये कवर भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा से ये घिस जा रहा है। ये है भैया बहुत ही यूनिक चीज़, छोटा दिखने में लेकिन यार धमाका करने वाला है, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी टेम्पोरी आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हो क्या हमने लाया है, देखो भाई साहब ये है 100 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड। वो भाई साहब गजब का लुक है इसका, यहाँ पर देख सकते हैं हीट सीट यहाँ पर दिया हुआ है, और यार यहाँ पर लुक इसका देख सकते हैं आगे से, यहाँ पर ब्लूटूथ है, और इसको हम टेस्टिंग करेंगे दिखाएंगे इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा है ना, तो इस वीडियो में रहने देते हैं। यहाँ पर आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं, इसके साथ में हमको यहाँ पर मिलता है ये तीन वायर, और फ्रेंड्स इसके साथ में हमको मिलता है ये रिमोट जो कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इसका भी क्वालिटी अच्छा है। यहाँ पर आपको ऑन करने के लिए इसे निकालना पड़ेगा तब ये वर्क करता है, तो ये देख सकते हैं, तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हो कहीं भी दूर बैठ के, तो यार ब्लूटूथ सिस्टम है तो मोबाइल से ही कंट्रोल हो जाएगा है ना। इसका भी एक स्पेशलिस्ट एक वीडियो लाएंगे, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा है ना, तो इसका भी चेक करेंगे देखेंगे कैसा क्वालिटी रहता है ना, तो काफ़ी यूनिक लग रहा है। तो चलिए तो यही रहा आज की इस वीडियो में, इतना सारा कंपोनेंट हमने मंगाया था। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये सारे कंपोनेंट्स आपको यूजफुल लगा होगा, सारे कंपोनेंट अच्छे लगे होंगे है ना हमने जो मंगाया है। अगर आपको जो भी न समझ में आया कंपोनेंट के बारे में कमेंट करिएगा, जरूर हम रिप्लाई देंगे, और जो हम रेट नहीं बताए हैं वो भूल गए हैं उसका भी रेट हम बता देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स काफ़ी यूनिक रहा होगा आज के वीडियो, इंपॉर्टेंट रहा होगा, जरा से अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब और धमाकेदार वीडियो प्रोजेक्ट आने वाले इस चैनल पर, देख ही सकते हो कितना सारा कंपोनेंट आया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब या नहीं करते आप लोग यहाँ मजा क्रिकेट आ जाता है, सब्सक्राइब करने पैसा थोड़ा लगता है, जल्दी से करना। चलिए मिलते किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा।